सो है गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ यूआईडिया आरसी U64 ड्रोन की। इस ड्रोन की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी करूंगा और आपको इसके प्राइस के बारे में भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह के बॉक्स में ये यूआईडी ड्रोन आता है। देखिए बॉक्स पर लिखा है मल्टीप्लाई 3 वे टू फ्लाई, यानी कि आप इस ड्रोन को 3 तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक है ग्लाइडर, दूसरा मोटरबोट और तीसरा एयरबोट। इन 3 वेज में आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर चार्जिंग मेथड भी दिए गए हैं, चार्जर, पावर बैंक, कंप्यूटर, इसे आप चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इस ड्रोन को हम नीचे रखते हैं, पहले हम देखेंगे हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो देखिए इस बॉक्स में हमें और एक बॉक्स मिलता है और आप देखते हैं इस पैकेट में हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो देखिए इसमें एक यूएसबी केबल मिलती है जो कि चार्जिंग के लिए है, देखिए कुछ इस तरह की, ज्यादा लंबी नहीं मिलती। तो चलिए इसे नीचे रखते हैं और देखते हैं। और देखिए इसे मोटरबोट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स मिलते हैं जो कि इसमें अटैच करने हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए और देखते हैं। और देखिए इसके साथ हमें ये 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं। अगर आपके ड्रोन के प्रोपेलर खराब हो जाए तो आप इनसे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इस बॉक्स में और क्या मिलता है हमें। तो देखिए इसके साथ ये छोटा सा रिमोट कंट्रोल आता है। तो चलो इस पर लगी हुई ये पैकेजिंग हटा देते हैं। पहले क्वालिटी के हिसाब से ये रिमोट अच्छा है। तो चलो इसके कंट्रोलर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ऊपर हमें 2 जॉयस्टिक मिलती है। इस वाली से आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। तो इस दूसरे वाली जॉयस्टिक से आप अप डाउन और लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे हमें ये ऑन ऑफ का स्विच मिलता है और उसके साथ ही इस तरफ मोड चेंज करने का बटन मिलता है, यानी कि आप इसे मोटरबोट या फिर ग्लाइडर में स्विच कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बैक साइड देखिए तो हमें यहाँ पर हाई एंड लो स्पीड का एक बटन मिलता है, साथ ही उसके साइड में हमें जायरो का एक बटन मिलता है और इस तरफ टेक ऑफ और लैंडिंग का एक बटन मिलता है, देखिए यहाँ पर। और उसके साइड में एक डेमो बटन मिलता है आपको। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर इसमें 3 बैटरी डालनी पड़ती है जिससे कि ये वर्क करने लगता है। तो चलिए इसे नीचे रखते हैं और देखते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ यूजर्स गाइड दिए गए हैं, चाहे तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं कि इसे कैसे फ्लाई करना है क्या है। तो बस अब चलते हैं हमारे ड्रोन की तरफ। तो देखिए ये रहा ड्रोन, अभी ये प्लेन मोड में है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। यहाँ पर देखिए इसके साइड में और पीछे की तरफ ये पार्ट दिए गए हैं जिसे कि हम निकाल सकते हैं और इसके जगह वो जो मोटरबोर्ड के पार्ट दिए गए हैं वो अटैच कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसके प्रोपेलर भी दिए गए हैं, ये बहुत छोटे हैं पर बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ पर जो प्रोपेलर दिया गया है उसका कुछ यूज नहीं है, इसमें मोटर नहीं लगी, ये बस शो के लिए दिया गया है। और यहाँ पर फ्रंट की तरफ हमें ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है जहाँ पर आप चार्जिंग केबल अटैच करके इसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम इसके बैक साइड में देखें तो यहाँ पर हमें इसका ऑन ऑफ स्विच मिलता है। देखिए जैसे हम इसे ऑन करेंगे ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी। तो चलिए आप देखते हैं इसके साथ दिए गए इस टॉय को। तो देखिए कुछ इस तरह का टॉय हमें इसके साथ मिलता है। देखिए इसके हाथ में जो पार्ट ये दिए गए हैं इसे आप कुछ इस तरह से इस ड्रोन में अटैच कर सकते हैं जिससे कि ये ड्रोन एक ग्लाइडर बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, और ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लाई भी करता है। तो चलिए आप इसके ये सारे पार्ट निकालते हैं और हम मोटरबोट में इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसके पार्ट ये सारे अलग हो जाते हैं और ये जो ब्लू वाले पार्ट है आपको कुछ इस तरह से इसमें अटैच करने हैं, देखिए यहाँ पर फ्रंट साइड पर और दूसरा वाला यहाँ पर। और आप देखिए ये एक मोटरबोट जैसा लग रहा है। तो चलिए आप इस टॉय को इसमें अटैच करते हैं। और देखिए आपको टॉय को अटैच करने के लिए इस पर जगह दी गई है, बस आपको इस पर रख कर ऐसे अटैच कर देना है इसे, और इसके हाथ को भी इस हैंडल पर कुछ इस तरह से अटैच करना है। और देखिए हमारा ये ड्रोन एक मोटरबोट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो चलिए आप इसके रिमोट में बैटरीज डालते हैं और इसे ऑन कर देते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये मोड वाला बटन है वो मोटरबोट की तरफ ही ऑन होना चाहिए। तो चलिए इसे ऑन करते हैं और फ्लाई करते हैं। तो देखिए ये फ्लाई हो चुका है, आप इसकी पावर देख सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसे फ्लाई कर नहीं पाएंगे और ना ही टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। We'll be right back.
तो देखिए हमने इसे टेस्ट कर लिया है और आपने भी देखा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्लाई हो रहा था और साथ ही बहुत ही स्टेबल था और इसे फ्लाई करना भी बहुत ही आसान था और ये काफी देर तक भी फ्लाई करता रहा। बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो आप इसे 8 से 10 मिनट तक आसानी से फ्लाई कर सकते हैं फुल चार्जिंग करने के बाद। और चार्जिंग की भी बात करें तो वो भी लगभग 10 से 15 मिनट में चार्ज हो जाता है फुल। और ये ड्रोन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है तो इसकी रेंज भी आपको अच्छी खासी मिलती है रिमोट की। और बात करें इसके फंक्शन की तो यहाँ पर देखिए इसके बॉक्स पर दिए गए हैं एल्टीट्यूड होल्ड मोड, मल्टीप्लेयर, लो बैटरी अलार्म, हाई एंड लो स्पीड मोड, हेडिंग होल्ड मोड और वन बटन टेक ऑफ लैंडिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप उनके लिए एक अच्छा सा टॉय ड्रोन ढूंढ रहे हैं तो ये टॉय ड्रोन बहुत ही अच्छा है। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके प्राइस लगभग 1100 से लेकर 1500 के बीच में है। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। मैंने इसी के जैसे एक ड्रोन की अनबॉक्सिंग की है, अगर वो भी आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इस UID ड्रोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।